हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रह करके हिंदू जय श्री राम बोल करके आपको रहना होगा। हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कुछ नेता हैं जो इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, और ये भाषण भी कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली में उसी मस्जिद के बाहर दिया जा रहा है जहां हाल ही में हिंसा हुई है। इस भाषण में कहीं ना कहीं पीएम मोदी के सौहार्द मिशन को धक्का जरूर लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। आपको तो पता ही है कि हाल ही में दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के रोज हिंसा भड़क गई, जिसने कई लोगों को जख्मी भी किया और लाखों का नुकसान भी हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि पहले मस्जिद के बाहर हुड़दंगियों ने भड़काऊ और आपत्तिजनक नारे और हथियार लेकर गाली गलौज की, जिसके बाद हिंसा शुरू हो गई। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हनुमान शोभा यात्रा निकल रही थी, इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और हिंसा भड़क गई। अभी इलाके में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। बावजूद इसके एक भगवाधारी शख्स ने उसी मस्जिद के बाहर खड़े होकर भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दिया। देशभक्त है इस दुनिया में, इस व्यक्ति का देशभक्त है। हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है, श्री राम बोलना ही हो। इस आदमी की बात सुनकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन इनके जैसे लोग यही चाहते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर अपनी सियासी रोटियां सेक सकें। धर्म मानता है, रह रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है, श्री राम बोलना ही हो। अरे ये छोटा, ये देखिए सबसे बड़ी सनातन धर्म। टीवी चैनल्स के कैमरे पर खुलकर ये शख्स कह रहा है कि अगर हिंदुस्तान में रहना हो तो जय श्री राम कहना होगा। देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी शख्स की देशभक्ति किसी नारे की मोहताज है। इस शख्स के इर्द गिर्द भारी सुरक्षा बल भी तैनात है, लेकिन कोई भी उसे चुप कराने की कोशिश नहीं कर रहा है, और ये जहरीला इंसान खुलेआम आग उगल रहा है और उसे कोई गिरफ्तार भी नहीं कर रहा। पीएम मोदी लगातार सभी से भाईचारे की अपील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सभी धर्म और जाति एक साथ आगे बढ़े ताकि देश को विश्व गुरु फिर से बनाया जा सके। लेकिन इनके जैसे कुछ छुटभैये कथित नेता पीएम मोदी के गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप यूट्यूब पर हमारी ये खबर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।